Ada Bora. भोदू को तो मैंने बहुत दिन से तंग नहीं किया है, अपने आप को बहुत ही स्मार्ट समझता है। उसको तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारा जीवन भर याद रखेगा। अरे उसको क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसको भेष बदल कर सबक अच्छे से सिखाना होगा, ताकि हम पे शक भी ना करे कि ये काम मैंने किया है। अरे वही तो भोदू इधर ही आ रहा है लगता है कि। अरे यार उस बुढ़ा इंसान ठेला को कैसे ठेल कर लेते लेते जा रहा है। ओह लगता है इसका कोई आगे पीछे देखने वाला भी नहीं है, भूखा होगा लगता है कि। अरे बेटा थोड़ा मेरा हेल्प कर दो ना। ठेला को हमारा हाथ लगा दो ताकि हम ठेला को लेके चले जाए। बेटा मदद करो बेटा हमारा। आगे जरूर मदद करेंगे दादा हम आपका। बोलिए कहाँ लेकर जाना है इस ठेला को, बताइए हमें। ये गेहूं के बस्ता को पहले ठेले के ऊपर रख देते हैं तभी ठीक रहे। अरे जा मेरा तो सारा गेहूं भुइयां गिर गया। अरे मेरा ठेला गया कहां आखिर, ठेला तो हमने यहीं रखा था। अरे यार किसने लेके चला गया। ओ तो ये तेरा काम है बेटा, अभी हम तुमको इनाम देंगे। तुम ठेला लेकर आया है तो बहुत बड़ा इनाम देंगे हम तुमको, 1 लात मारेंगे तुमको अभी हम। ये ले। अरे बाप रे बाप, मैंने इनको समझाने से पहले कुछ बोलने से पहले हमको 1 लात मार दिए। छी 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 कैसा आदमी है। अरे भोदू देखो मैं हादा हूँ, मैंने है तुमको बुद्धू बनाया हूँ। मैंने तो भेष बदल लिया था, तूने मुझे पहचाना नहीं। अब जाकर घर जाकर दवाई लगा लेना, नहीं तो कल तुमको और बुद्धू बनाऊंगा भोदू। अरे बदमाश। बोलो कैसा लग रहा है भोदू, बोलो कैसा लग रहा है। अरे बाप रे बाप, अरे बाबा। अने दे दो राम दिला दो राम देने वाला सीता। अने मैं अंडा हूँ थोड़ा पार कर दो भाई। अने दे दो राम दिला दो राम देने वाला सीता नाम। दे दो राम दिला दो राम देने वाला सीता। अने कोई है जो इस अंडा को पार कर दे। अने दे दो 1 रुपया 2 रुपया ऊपर वाले के नाम पे। इस अंधा गरीब को भाई आप सब लोगों का भला होगा भाई। अने भाई लोग मुझे पार कर दो, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता है। अरे सचमुच अंधा है क्या, या तो लगता है फिर मैं बुद्धू बन सकता हूँ क्या। कोई दे दो इस गरीब को भूखा है। अने भाई लोग कुछ ध्यान दीजिए हम पे, मैं अंधा हूँ गरीब हूँ। अने कौन दिशा में चल रे भिक्षा मांगने रे भाई लोग। अरे लगता है सचमुच अंधा है, खैर कोई बात नहीं मैं चल कर इसका हेल्प कर देता हूँ मैं। अरे आइए आइए मैं आपको पार कर देता हूँ। आइए आइए थोड़ा यहाँ से बाएं आइए, नहीं नहीं थोड़ा सा और दाएं जाइए। हाँ हाँ ठीक तो आराम 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 सही है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। थोड़ा दाएं चपिए बाएं। भगवान तुमको भला करे बेटा।
रामा रे रामा दिला दे दो चार पैसा रे रामा, गरीब गुरबा को रामा। अगर उसको हम हेल्प नहीं करते तो हमको बहुत बड़ा पाप लग जाता। चलो इस बार हाड़ा को ढूंढते हैं, उसको जब तक अच्छा सबक नहीं सिखाएंगे हमको चैन का नींद नहीं आएगा। अरे लगता है नया बैठा है, जाकर सामने से उसको देखता हूँ। अरे तो जिंदा इंसान है, पगड़ी वाला मोछ दाढ़ी लगाया हुआ है। अरे ये कोई हाडा नहीं ना है, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है, क्योंकि हाडा ही ऐसा काम कर सकता है। अरे जानबूझकर पैसा फेंक कर देखता हूँ कि पैसा ये उठाता है कि नहीं। इस पैसे को मैंने देखा है, लगता है पैसा मेरा ही है। अरे हड्डा मैं समझ गया था कि भेष बदल कर तुम ही यहाँ पे खड़ा है। तुमको मैं टेस्ट करने के लिए पैसा यहाँ पे फेंका था। ओ तो तुम्हारा इस बार लकी पूरा पकड़ा गया। अरे इस बार मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। अरे भोदू तुम मुझे इस बार क्या पकड़ोगे, भगवान राम तक भी नहीं पकड़ पाएंगे। ए बूढ़ी ए बूढ़ी, तुम मेरे रास्ते से साइड से हटो, रास्ता छोड़ो मेरा। क्या बोला तुमने? मैं तो कुछ नहीं बोला। मेरे साथ बदतमीज किए हो, तुम्हारा इतना बड़ा हिम्मत। अरे बोलो तो कुछ बोलना। अरे तुम बोलो कुछ बोलना, कुछ बोलना बोलो। अरे बाप रे बाप, अरे बोलो तुम कुछ बोलना है, बोलो कुछ बोलना तुम। अरे इस बार के लिए मुझे माफ कर दे, मैं अब ऐसा कभी काम नहीं करूंगा इस बार के लिए, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना। अरे ये तो सीआईटी गोविंद ठाकुर है, लगता है इसी के हाथे हाडा पड़ गया है। अच्छा हुआ इसके हाथ से पिटाई खा गया, हमें बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। अरे हाडा तुमसे बहुत अच्छा भेष लिया है। अरे तुमको अभी इस वक्त कोई नहीं पहचान पाएगा हाडा, कि ये तुम हाडा हो। अरे भोदू इस बार बहुत ज्यादा मार खा गया, अब कभी जीवन में कभी मैं भेष भूषा नहीं बदलूंगा भोदू। बहुत दर्द कर रहा है भोदू, कभी जीवन में ऐसे कभी शरारत नहीं करूंगा भोदू, कभी भेष भूषा नहीं बदलूंगा। अरे यार दोस्त लोग तुम लोग भी तो कुछ बोलो ताकि मैं कुछ सुनूं। मजा आ रहा है, हम लोग चलेंगे हर साल घूमने। हाँ वे, हम लोगों के पंडित का क्या नाम है पता है? मुझे पता है, कद्दू जी, पंडित कद्दू पंडित। डट, मैं बताता हूँ उस पंडित का नाम, टकलू पंडित टकलू। पंडित जी टकलू पंडित जी, बड़ा मजा आएगा, हम लोग घूमने जाएंगे। ट्रेन मिल गया। बुड्ढे अंकल ये क्या, आप इसमें क्यों आए हैं? जाइए, इसमें सीट नहीं है, जाइए। बहुत भीड़ है और बगियों में, इसीलिए मैं इसमें आया हूँ, गेट के पास ही बैठा रहूंगा। हाँ हाँ ये तो यहीं बैठ गया।
को यही बोगी मिला था चढ़ने के लिए। बच्चों तुम लोग कहाँ जा रहे हो? पिकनिक मनाने। कहाँ पे पिकनिक मनाने? गर्मी की छुट्टी मनाने जा रहे हैं। दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, पास जाके देखा तो गंजे उछल रहे थे। बच्चों मेरे सामान का ध्यान रखना, मैं नहा के आता हुआ, ठीक है? जाइए जाइए जाइए, आप जाइए 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 जाइए। ठीक है ठीक है ठीक ठीक ठीक। ओए चल चल, देखते हैं उसमें क्या है उस हंडे में। हाँ लग रहा है इसमें मिठाई है। हाँ चल चल चल, देखते हैं क्या है। हाँ अरे इसमें रसगुल्ले, खाओ 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 खाओ, तुम भी लो, खाओ खाओ खाओ। देखो देखो कितना मस्त है, कितना टेस्टी। अरे उसमें क्या है, उसमें क्या है? खाओ माँ, मोटा लड्डू, चलो खाते हैं। मुझे भी दो। ओए इसमें फल है, आओ 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 जल्दी आओ। खाएंगे, मुझे भी दो, एक दो 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 दो। इस बोगी में मत रहिए आप। क्यों क्यों? बहुत चूहे हैं इसमें। चूहा? हाँ चूहे, उस मटके में क्या था वो सब कुछ खा लिया। समझ गया, लग रहा है चूहों को बहुत भूख लगा है। अरे बाबा नहीं, उनका जाती यही है, भूख नहीं लगता है फिर भी वो लोग खाते हैं। और तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। हाँ मैं किसी और बोगी में चला जा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, मत जाइए मत जाइए, किसी और बोगी में मत जाइए, हम लोग के साथ ही चलिएगा आप। हाँ तुम लोगों के साथ ही चलूंगा, ठीक है? मिठाई लो, मिठाई। वो मिठाई वाले इधर सुनो। बोलिए साहब। कैसा मिठाई है देखाओ, बच्चों को दो दो करके दो। हाँ? लीजिए सब जी, लीजिए मिठाई। दो, मैं भी मिठाई खाऊंगा। मुझे दो, मैं भी खाऊंगा। आम ले लो, आम मीठे आम ले लो। आम आम वाले भैया, बच्चों को आम देना। हाँ मीठे होंगे, मीठे मीठे आम। मैं भी खाऊंगा। अब क्या करते हैं और कहाँ जा रहे हैं? मैं टीचर हूँ। क्या करते हैं आप? संस्कृत पढ़ाता हूँ। तो फिर आप हमारे स्कूल आइए। हाँ हमारे स्कूल आ जाइए। हाँ आप ही आ जाइए हमारे स्कूल, हम लोग आपसे ही संस्कृत पढ़ेंगे, टीचर को हटा देंगे। हाँ आप ही पढ़ाइएगा हम लोग को संस्कृत, आप ही। मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ, तुम्हारा प्रिंसिपल मुझे पढ़ाने देगा तब ना। हाँ ऐसा तो करना ही पड़ेगा, अगर वो आपको पसंद नहीं करेंगे तो हम लोग स्कूल छोड़ के चले जाएंगे।
ठीक है बाबा ठीक है, मैं जाऊंगा तुम लोगों के साथ, ले चलो ले चलो ले चलो मुझे। हाँ आइए आइए, वेलकम वेलकम, आइए आइए। इसकी क्या जरूरत थी। आदा बोदा, आदा बोदा। हाँ ये तो टब्बू है, यहाँ पे बैठकर अकेले अकेले कॉमिक्स पढ़ रहा है, आज मैं उसका किताब छीन कर ही रहूंगा। तेरा किताब मेरे पास है टप्पू, अब ये मेरा है। गब्बू मेरा किताब मुझे दे दे। गब्बू किताब लेना चाहता है तू, इन काटों के झाड़ियों से ले ले तू। इसमें कितने बड़े बड़े काटे हैं, कैसे उठाऊं? ध्यान से टप्पू, काटों से तेरा किताब न फट जाए। बहुत मुश्किल से काटों की झाड़ियों से किताब को निकल कर लाया हूँ, अब मैं आराम से पढ़ूंगा, लेकिन ज्यादा देर नहीं टब्बू। जल्दी मेरा किताब वापिस कर दे गब्बू, वरना मार मार कर तेरा हड्डी पसली कर दूंगा। अब तुझे अपना किताब गड्ढे से निकलना होगा टब्बू। मेरे किताब गड्ढे में फेंक दिया वो। टब्बू अभी भी सबक नहीं सीखा है, अब मैं तीसरा बार उसका किताब छीनूंगा। फिर से तू कमिक्स पढ़ रहा है ले मुझे। अब तू ये किताब कभी नहीं वापस पाएगा, मैं इसे फाड़ दूंगा। गब्बू गब्बू ये तूने क्या किया, ये कॉमिक्स मेरा नहीं है। तेरा इतना बड़ा हिम्मत, मेरा कॉमिक्स मेरे सामने फाड़ा तू? नहीं नहीं मुझे पता नहीं था, भागो 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 भागो। मेरे से बचकर तू कहाँ भागेगा गब्बू, रुक मैं आ रहा हूँ। अब मजा आएगा देखने में, मैं भी जाता हूँ। हाय हाय मैं तो मर गया रे, अब मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। किताब पढ़ने से ज्यादा मजा आंखों के सामने देखने में है गब्बू। वन के रास्ते धीरे धीरे चल रहा था खरगोश, सिर झुका हुआ, मुंह सूखा हुआ, पैर भी जैसे आगे नहीं बढ़ रहा हो, न जाने क्या तकलीफ थी उसके मन में चलते चलते रास्ते में। क्या हुआ उसे? हाँ गजराज, खरगोशी तो है। अरे वह मुझे देख करके भी बिना बात किए चला जा रहा है, क्या हुआ उसे? हाँ वही तो देख रहा हूँ, मुँह भी सूखा है और सर भी झुका हुआ है, वो जैसे चंचलता से दौड़ता है वैसे तो नहीं है, पता नहीं क्यों धीरे धीरे चल रहा है। क्या हुआ है, उसकी तबीयत खराब है क्या? पता नहीं लग रहा है। नहीं एक बार पूछ करके देखता हूँ। ठीक बोल रहे हो गजराज भाई, पूछ के ही देखते हैं। ओ खरगोश भाई खरगोश भाई, ओ खरगोश। खरगोश तो इतनी चिंतित था कि किसी की पुकार उसके कानों तक पहुंची नहीं, चलते चलते आगे। हम लोग बुलाए वह बोला भी नहीं, चुपचाप चला गया। चलो हम तुम दोनों बैठ के उसी तरह कहानी कहते सुनते हैं। हाँ जाने दीजिए, अगर वो बात नहीं करेगा तो क्या कर सकते हैं। वो लोग पहले जैसे अपनी बातों में व्यस्त हो गए। खरगोश कुछ दूर जाने के बाद, ए खरगोश भाई कहाँ जा रहे हो? अरे को
कोई जवाब नहीं, ये क्या? कुछ दूर चलते चलते मुलाकात हुई एक लोमड़ी से। इस लोमड़ी और खरगोश में कुछ दिन पहले बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। खरगोश आफत विपत में उसे सलाह लेता था। उसके बाद, ए खरगोश भाई, क्या हुआ? तुम तो बड़े ही चंचल हो, आज इतना उदास होके क्यों चल रहे हो? कुछ हुआ है क्या? बताओ क्या हुआ है, बताओ बताओ। अपने दोस्त लोमड़ी को देखकर खरगोश अपनी तकलीफ रोक नहीं पाया और कहा, क्या मैं बताऊं? बोल के क्या होगा, क्या करोगे तुम सुन के मेरी बात? 2 दिन हुआ मैं शादी किया हूँ। ये क्या, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है, बताओ कितनी अच्छी। इसमें दुख की बात क्या है? हाँ, मेरी पत्नी की उम्र ज्यादा है, दिखने में भी बहुत ही बूढ़ी बूढ़ी लगती है, अच्छी नहीं है। जो एक बार पहले देख ले वो उसके आसपास भी ना गुजरे। समझ गया भाई, समझ गया। तुम्हें शादी करने की इतनी जल्दी क्या थी? देख कर भी एक बुढ़िया को शादी करके ले आए घर पे। जब घर पे ले ही आए हो तो उसके साथ ही तो रहना होगा और जीवन भर गुजर बसर करना होगा। हाँ नहीं भाई नहीं, तुम कुछ नहीं समझे हो। मेरी पत्नी भले ही बुढ़िया थी, अच्छी नहीं थी, सुंदर नहीं थी, लेकिन वो मुझे एक सुंदर सा बड़ा सा घर बना दी थी। तो फिर वो घर कल रात को जल के राख हो गया। पता नहीं घर में कैसे आग लग गई। उतना सा घर जलने में कितना टाइम लगेगा? आओ, ऐसी बात है, ये तो बहुत ही दुख की बात है, अब मैं समझा। हाँ, नया घर नई पत्नी बना के दी थी और जल गया तो तकलीफ तो होगा ही। तुम तो जवान हो, फिर से क्यों नहीं पत्नी के साथ घर बना लेते? ओ लोमड़ी भाई, तुम तो अभी भी नहीं समझे हो। कहाँ मेरी पत्नी है, वो तो घर के साथ ही जल के राख हो गई। कितना मैं बचाने की कोशिश किया, नहीं बचा पाया। हाँ, ये क्या? हाँ लोमड़ी भाई, घर जाने से दोबारा घर बन जाएगा, पत्नी के बदले पत्नी कहाँ मिलेगा? जैसे भी थी बुढ़िया थी, पर मेरी पत्नी थी ना। हाँ वो तो सच है, ठीक बोल रहे हो। मेरी कितनी तकलीफ है वो मैं ही जानता हूँ। यही कह के खरगोश फिर से अपनी धीरे गति में आगे बढ़ गया और लोमड़ी खड़ा होके देखता ही रह गया।